Hi children, this is third part of my video in which I'm going to explain you autotropic nutrition in detail, that how the whole process happens. So autotropic nutrition mein humne padha tha ki plants jo hote hain wo khana apna khud banate hain, theek hai, khana khud banate hain, that's good, lekin kaise banate hain wo to nahi bataya na maine, wo bhi bataungi main. Plants apna khana sunlight se kya karte hain, banate hain, जो जिसके बारे में शायद ही हम सिर्फ ड्रीम में सोच सकते हैं, लेकिन इट्स रियल. प्लांट्स अपना खाना सनलाइट से बनाते हैं जो उन्हें सन से मिलती है, ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में सूरज की किरणें भी कहते हैं. नाउ अब बात ये है, सनलाइट से बनाते हैं लेकिन अब उसमें भी कैसे करते हैं, सारा प्रोसेस कैसे होता है. सो ये प्रोसेस प्लांट्स के लीव के सेल्स के अंदर होता है, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, मतलब उनके जो पत्तों के अंदर सेल्स होते हैं. ऐसे ज़रूरी बात थोड़ी ना है कि सिर्फ प्लांट्स ह्यूमंस में ही सेल होंगे. सेल्स तो हर एक चीज़ में होते हैं, सेल्स में, ठीक है ना, एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं. सो ये जो सारा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, वो लीव्स के सेल्स के अंदर होता है. प्लांट्स अपना खाना सनलाइट से क्या करते हैं, बनाते हैं, जो जिसके बारे में शायद ही हम सिर्फ ड्रीम में सोच सकते हैं, लेकिन इट्स रियल. प्लांट्स अपना खाना सनलाइट से बनाते हैं जो उन्हें सन से मिलती है, ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में सूरज की किरणें भी कहते हैं. नाउ अब बात ये है, सनलाइट से बनाते हैं लेकिन अब उसमें भी कैसे करते हैं, सारा प्रोसेस कैसे होता है. सो ये प्रोसेस प्लांट्स के लीव के सेल्स के अंदर होता है, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, मतलब उनके जो पत्तों के अंदर सेल्स होते हैं. ऐसे ज़रूरी बात थोड़ी ना है कि सिर्फ प्लांट्स ह्यूमंस में ही सेल होंगे. सेल्स तो हर एक चीज़ में होते हैं, सेल्स में, ठीक है ना, एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं. सो ये जो सारा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, वो लीव्स के सेल्स के अंदर होता है. देखिए चिल्ड्रंस, इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट लेकिन इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है ना. डिफ़िकल्ट होता तो अभी मैं भी नहीं कर पाती, मैं भी तो सेवन्थ में हूँ, ठीक है ना. सो एक्चुअली क्या होता है, स्टार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रूट्स. अब आप बोलोगे मैम पहले बोल रहे थे अब लीव से होता है, अब बोल रहे हो रूट्स से होता है. दो मिनट वेट करो. अब देखो सॉइल रूट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स का, जहाँ से उन्हें वाटर मिलता है. देखियो ना, कभी आप किसी प्लांट की जड़ें होती हैं जो सॉइल के अंदर होती हैं, ठीक है ना, उन्हें बोलते हैं रूट्स. यस चिल्ड्रन, सी जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का मेनली लीव्स में होता है. मीन कि वो जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसके एक्सचेंज में वो जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये प्रोसेस मेनली लीव्स के सेल्स में होता है. चिल्ड्रंस, रूट्स तक पहुंचने से पहले एक बात याद रखिए, क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हमसे लेते हैं वो उसे वो वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, और एक वंडरफुल मॉलिक्यूल जिसका नाम है क्लोरोफिल, और थ्रू द हेल्प ऑफ सनलाइट वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं एंड ग्लूकोज में भी. द क्वेश्चन इज व्हाट, कि उन्हें उनका वो वाटर कहाँ से मिलता है. कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो मान लिया हमसे मिलता है, लेकिन ये जो वाटर है ये उन्हें उनकी रूट्स से मिलता है, ठीक है. और जब वो रूट्स, आपने कभी देखी है प्लांट्स, कोई मरा हुआ होगा ऐसे बाहर पड़ा होता है, उसके नीचे से रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. वो ज़िंदा होते हैं जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो हम क्या करते हैं, आपको पता ना, आपके मम्मी डैडी कभी ना कभी क्या पानी देने जाते होंगे, कोई तो जाता ही होगा, ठीक है, आप ही देते होगे तो इट्स वेरी गुड. तो वो रूट्स क्या करती हैं, उस पानी को अंदर लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, और वो पानी स्टेम्स में पहुँचाती हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सॉइल के अंदर होती हैं रूट्स, ठीक है, एंड देन ये स्टेम्स के थ्रू आता है, ठीक है. स्टेम्स होती हैं ये, आप देख रहे हैं लंबी सी दिख रही है ना आपको, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम स्टेम्स. और देन ये लीव्स में चले जाता है, क्या चले जाता है, वाटर. जब ये लीव्स के अंदर चले जाता है, अब देखो मेरे पास कोई इधर माइक्रोस्कोप तो है नहीं, ठीक है, जो मैं इधर आपको इनका स्टोमेटा भी दिखा सकूं. अब ये जो क्या करते हैं, ये लीव्स यहाँ से स्टोमेटा लेते हैं, इनके लोअर साइड पर, लोअर साइड होगी पीछे वाली लोअर साइड, इस साइड पर ही इनका क्या होता है, स्टोमेटा होता है, और ये उधर से क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं.
वो सारा प्रोसीजर होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन वो भी कैसा होता है उसको भी और डिटेल में लेने के लिए हमें देखना होगा कि जब वो स्टोमेटा के अंदर जाते हैं तो पीछे वाली एयर सरफेस पे क्या होता है। गाइस इसके आगे क्या होता है वो मेरे को आपके आपके लिए मुझे कुछ स्पेशल ग्राफिकल वीडियो लानी होगी, आई थिंक तभी आपको समझ आएगा। देखो होगा क्या कि जब वो स्टोमेटा से अंदर जाएगी ना, क्या वाटर तो पहुंचा दिया स्टेम्स ने लीव तक, देन वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है, एंड वो दोनों चीज़ें एक सेल में जाएगी। अब मैं आपको एक सेल का अंदर का स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्लांट का। हो सकता है कि मैं नहीं ला पाऊँ ग्राफिकल, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूँगी कि आपको अच्छे से समझ आए।